राजस्थान में इन दिनों चले विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार ने कृषि पर विशेष रूप से अपना ध्यान आकर्षित किया है। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वहीं किसानों को अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। आइए जानते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सुना आपने, बहुत ही रोचक अनुभव। वास्तव में आज प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी हो गया है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित चाहते हैं तो हमें रासायनिक उर्वरकों का त्याग करना होगा। देसी गाय और लोकल रिसोर्सेस पर आधारित कृषि पशुपालन मॉडल बनाना होगा। प्राकृतिक खेती वनस्पति और मानव जाति के लिए आवश्यक है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, वहीं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से पैसे की बचत होती है। सरकार नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जागरूक है। कृषि विज्ञानियों का मानना है नैनो यूरिया का छिड़काव पौधे की पत्तियों पर होता है, इसलिए भूमि और पानी पर इसका असर नहीं होता है। साथ ही नैनो यूरिया छोटा है आकार में, इसलिए ये परिवहन और भंडारण में बहुत ही आसान है। इसकी 500 ml की एक बोतल 46 kg यूरिया के बैग के बराबर असर करती है और इसका छिड़काव एक हेक्टर में किया जा सकता है। नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml नैनो यूरिया को मिलाया जाता है। और पिछले 5 सालों से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारे प्रमुख फसलें हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्ची, गेहूँ और अपने गुंदे के 50 एक पेड़ वो लगे हुए हैं, जिसमें कि हम इसके लिए वर्मी कंपोस्ट और जो कंपोस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट जो कैचवे से जो खाद तैयार होती है वो 4 से 5 महीनों के अंदर रेडी हो जाती है। और जो कंपोस्ट जो हमारे गूंदे के पेड़ से जो पत्ते वगैरह जो नीचे गिरते हैं और जो बाकी दूसरी फसलों के जो अवशिष्ट होते हैं, जिसमें कि हम उसमें 5 से 6 महीने के लिए उसको मॉइस्ट करके उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वो एक बढ़िया कंपोस्ट रेडी हो जाता है, जिसमें कि अपने ये खरपतवार के बीज वगैरह भी नहीं रहते हैं, तो इसे एक लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है और ये पूरा संपूर्ण पोषण का काम करता है पौधों की जड़ों के लिए, तो इसे हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। और हम इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे इसमें, जिससे कि हमारा मंडी में भी जो क्वालिटी और जो टेस्ट होता है इसके प्राइस भी हमें थोड़े बेटर प्राइस मिलते हैं जो दूसरे जो सब्जियों से। और हम इसके लिए इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का भी काम ले रहे हैं और हमारा एक पक्का हाउस भी बना रहा है जो 40x20 का है, जिससे कि हमारा जो इरिगेशन का सिस्टम है वो प्रॉपर मॉड्यूल की तरह काम करता है। आज की आधुनिक खेती में कृषि ड्रोन का प्रयोग करके समय और श्रम दोनों की बचत करने का प्रयास अनवरत जारी है।